जनपद हरिद्वार के सबसे व्यस्तम व्यवसायिक इलाके में श्री बालाजी ज्वेलर शोरूम में 5 करोड़ की डकैती होने से नगर के व्यापारियों में खौफ का माहौल बन गया है, जिसके चलते सभी व्यापारी पुलिस की कार्यशैली से नाराज है और इसी नाराजगी के चलते व्यापारियों ने चंद्राचार्य चौक पर धरना देकर डकैतों को जल्द गिरफ्तार करने और व्यापारियों को समुचित सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। वहीं इस घटना के 24 घंटे बाद गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नागन्याल ने घटना स्थल का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि पुलिस घटना की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है और बहुत जल्द इस घटना का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। बड़े शर्म की बात है और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां घटना घटी उससे 100 मीटर दाएं और 100 मीटर बाएं पुलिस की पिकेट है, उसके हैं पुलिस को फेंगा दिखाते हैं और लूट करके फायरिंग करते हुए खुलेआम चले जाते हैं। इसे गुंडा राज नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, मुझे बताइए आप। व्यापारी आज असुरक्षित है, व्यापारी आज अपनी जान भी बचाने की चिंता में, अपना माल भी बचाने की चिंता में है, व्यापारी आज पूरी तरह से असुरक्षित है। व्यापारी सरकार को सारे टैक्स देगा, शासन प्रशासन को हर मेले में हर आयोजन में पूरा सहयोग देगा और उसके बाद अपनी दुकानें लुटवाएगा, अपने ऊपर गोलियां चलवाएगा व्यापारी। आज व्यापारी की स्थिति यह होकर रह गई है। हमारा कहना यह है अगर समय रहते इस लूट का खुलासा न हुआ तो चरणबद्ध तरीके से व्यापारी आंदोलन करेगा, हर की पौड़ी से लेकर बहादराबाद तक के बाजार बंद कराए जाएंगे। व्यापारी लूट का खुलासा हो, व्यापारी को उसका लूटा हुआ सामान 100% वापस मिले और व्यापारी को न्याय मिले, यही मेरा बदमाशों ने ये काम किया है। हम लोग चुनौती के रूप में ले रहे हैं और हम कर रहे हैं जो भी इसमें एक्शन लेना है, सीसीटीवी स्पष्ट कर दिया है और जैसा कि अभी वादी की ओर से तो उससे हम लोगों ने सारी टीम बना के वो काम करना शुरू कर दिया है। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं लगता है इन लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि दूर के रहने वाले प्रतीत होता है इस तरह से बिना मुंह ढके हुए देखा होगा आपने सीसीटीवी फुटेज में, इनका चेहरा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है तो हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमें साक्षी भी मिला है जिसको मैं समझता हूँ कि विवेचना और मुलजिम को पकड़ने में थोड़ा सा बाधक न हो, इसलिए मैं शेयर करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हम लोग धीरे धीरे मुलजिम की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी हम मुलजिम को